नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की टॉप 10 डरावनी फिल्मों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है फिल्म महल। साल 1949 में रिलीज हुई इस फिल्म में अशोक कुमार, मधुबाला, एम कुमार और विजयलक्ष्मी अहम किरदारों में नजर आए थे। नंबर 9 पर है फिल्म फियर हैज ए न्यू एड्रेस। साल 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म में आर माधवन, नीतू चंद्रा, सचिन खेड़ेकर और दीपक डोबरियाल अहम किरदारों में नजर आए थे। नंबर 8 पर है फिल्म पुराना मंदिर। साल 1984 में रिलीज हुई इस फिल्म में मोहनीश बहल, पुनीत इस्सर, आरती गुप्ता और अनिरुद्ध अग्रवाल अहम किरदारों में नजर आए थे। नंबर 7 पर है फिल्म स्त्री। साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी और नोरा फतेही अहम किरदारों में नजर आए थे। नंबर 6 पर है फिल्म राज। साल 2002 में रिलीज हुई इस फिल्म में डीनो मोरिया, बिपाशा बसु, मालिनी शर्मा और आशुतोष राणा अहम किरदारों में नजर आए थे। नंबर 5 पर है फिल्म तुम्बाड़। साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म में सोनम शाह, ज्योति मालसे, रुद्र सोनी और मोहम्मद समद अहम किरदारों में नजर आए थे। नंबर 4 पर है फिल्म अक्स। साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, मनोज बाजपेयी, रवीना टंडन और अमोल पालेकर अहम किरदारों में नजर आए थे। नंबर 3 पर है फिल्म रात। साल 1992 में रिलीज हुई इस फिल्म में रेवती, चिन्ना, आकाश खुराना और ओमपुरी अहम किरदारों में नजर आए थे। नंबर 2 पर है फिल्म भूत। साल 2003 में रिलीज हुई इस फिल्म में अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर, रेखा और नाना पाटेकर अहम किरदारों में नजर आए थे। टॉप 10 डरावनी फिल्मों की इस लिस्ट में नंबर 1 पर है फिल्म डरना मना है। साल 2003 में रिलीज हुई इस फिल्म में सैफ अली खान, विवेक ओबराय, शिल्पा शेट्टी और नाना पाटेकर अहम किरदारों में नजर आए थे। फिलहाल इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।